था बाबर आजम वाकया ही एक बड़े खिलाड़ी हैं। अहमद वसीम ने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है। जो PSL में कराची किंग के कप्तान थे अहमद वसीम, उन्होंने बाबर आजम को एक जो बहुत बड़ा जो गुड लक के तौर पर चांस दे दिया है, यानी कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं गलत हूँ, बाबर आजम है ये वाकई ही एक बड़े खिलाड़ी। खिजर, इसके बारे में क्या अपडेट आ रही है? तो रात को जब मैच खत्म हुआ, पाकिस्तान टीम ने 38 रन से मैच जीता और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम मैन ऑफ द मैच आए। उसके बाद जो है वो इमाद वसीम को कहा गया कि आप बाबर आजम का इंटरव्यू लें। तो ये होता है जब मैच ख़त्म होता है तो कुछ प्लेयरों को कहा जाता है कि आप किसी प्लेयर का इंटरव्यू लें। तो इमाद वसीम ने बाबर आजम का इंटरव्यू लिया और इमाद वसीम ने ये कहा कि बाबर आजम ने वाकई आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई है। जब पाकिस्तान टीम के 106 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद पाकिस्तान टीम काफ़ी अंडर प्रेशर हो चुकी थी, उसके बाद बाबर आजम की शानदार सेंचुरी देखने को मिली है और पाकिस्तान टीम की जीत की वजह बने हैं। तो उन्होंने कहा कि वाकई ही बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उनका वर्ल्ड क्लास प्लेयरों में शुमार होता है, जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, एरन मॉर्गन, जॉस बटलर जैसे प्लेयर जो है, क्रिस गेल हो गए, इन तमाम प्लेयरों को भी उन्होंने, इमाद वसीम का कहना है कि बाबर आजम ने पीछे छोड़ दिया एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के तौर पर। उम्मीद है कि ये जो हमारा आज का शो है ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अल्लाह।